हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। तो वही गुरुग्राम के सेक्टर 45 में 6 मार्च को हुई 2 करोड़ की लूट में अब पुलिस ने आरोपियों की ज्वेलरी बरामद कर ली है। 12 मार्च को पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। गौरतलब है कि सेक्टर 45 के घर से ज्वेलर की पत्नी और बच्चे को बंधक बनाकर लुटेरों ने ज्वेलरी और कैश पर हाथ साफ किया था। पुलिस ने मौके से ज्वेलरी का एक बड़ा हिस्सा और 10,000 का कैश बरामद किया है। 6 मार्च को हमारे यहाँ सेक्टर 45 में एक मैडम है सनेया गुप्ता, वाइफ ऑफ प्रदीप गुप्ता, सेक्टर 45 की रहने वाली है। उनके घर में एक नौकर रहता था। उस नौकर ने अपने साथियों को बुला के और उसको लेडी को और एक 6 साल के बच्चे को बंधक बना के उनके हाथ पैर बांध के और घर में रखा सोने का काफी सामान, उनके जेवरात और कैश जो है ना वो लेके लूट के और भाग गए थे।